हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत मिश्रा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आरएलसी ट्यूटोरियल्स। जैसा कि फ्रेंड्स हमने पिछले क्वेश्चंस में आपके 20 क्वेश्चन तक कवर हो चुके हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं आपको इस सेक्शन में, आपको क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 25 तक। ठीक है, चलिए अब ये 5 क्वेश्चन है आपके सामने। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले ही चुके होंगे। ठीक है, जैसे ही वीडियोस के बीच में जो एम्प्टी टाइम मिलता है आप उस समय स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ताकि एक एक वीडियोस में आपके ज्यादा टाइम स्पेंड ना हो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक क्वेश्चंस को। ठीक है, बाकी मैं 4 क्वेश्चन इरेज करता हूँ, बाकी 4 क्वेश्चंस आपके पास हैं, आप देखते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका कि लैग कंपेंसेटर। ठीक है, लैग कंपेंसेटर इज यूज फॉर, अब ये किसका क्वेश्चन है बेटा, ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है किसका, कंट्रोल सिस्टम का है। तो अभी जेई वाले थोड़ा सा याद रखिएगा, जिस क्वेश्चन में जैसे कुछ एग्जामिनेशन ऐसे हैं जहाँ पे कंट्रोल सिस्टम उनके सिलेबस में नहीं है, तो ये उस एग्जाम्स में नहीं आ सकता है, लेकिन जहाँ पे होगा कंट्रोल सिस्टम सिलेबस में वहीं पे आएगा। तो ये सिलेबस आप पर इंडिविजुअल एग्जामिनेशन का अलग अलग देखते रहिएगा, क्योंकि वो सिलेबस आपको मैंने वैसे भी एसएससी जेईई या समथिंग का सिलेबस आपको करा चुका हूँ। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो कि आप देखते रहिएगा कि कहाँ कहाँ हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं द लैग कंपनसेटर इज यूज्ड। कंपनसेटर क्या होता है, कंपनसेशन का मतलब क्या होता है कि कोई क्षतिपूर्ति हो रही है उसे बिल्कुल करना। तो कंपनसेटर का मतलब क्या हो कि कोई काम आपसे किसी तरह से कराना हो, ठीक है, तो आपको कुछ ऐसी डिवाइस लगा दे जो कि मान लीजिए आपको एक रास्ते पे जाना है, ठीक है, सीधे स्ट्रेट बढ़ना है, कोई प्रॉब्लम से आप कोई प्रॉब्लम सडनली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं और आप थोड़ा सा मुड़ गए, तो अब मैंने क्या किया कि कोई वहां पे कंपनसेटर लगाने को, तो क्या ऐसी डिवाइस लगा दिया जो कि आप जैसे ही उधर बढ़ोगे तो आपको फिर से वो सीधे कर देगा, सीधे स्ट्रेट लाइन में कर देगा। ऐसी डिवाइस होगी कि मतलब जब कोई प्लांट, कोई भी प्लांट बेसिकली जिस प्रिंसिपल पे काम कर रहा हो या कोई काम कर रहा हो, एक रूटीन में कर रहा है, ठीक है, तो कोई डिस्टरबेंस आया, तो किसी डिस्टरबेंस आने की वजह से उसका क्या हो गया, परफॉर्मेंस जैसे काम कर रहा था वो थोड़ा सा क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो वो डिस्टर्ब जैसे ही होगा तो कंपनसेटर का मतलब क्या होगा कि जैसे ही हम कंपनसेटर कराएंगे तो वो उस चीज को फील करेगा और उसके बाद से क्या करेगा, उसको फिर से उसी परफॉर्मेंस पे क्या कर देगा, ला देगा। तो यानी कंपनसेटर या कोई भी ऐसी डिवाइस है, कंपनसेटर और एक और डिवाइस यहाँ पे होती है बेटा, कंपनसेटर और क्या होता है, कंपनसेटर और एक क्या होता है, ठीक है। अब जो पहले कंपनसेटर की बात कर लेते हैं, ठीक है, दूसरे को आप कमेंट में मेंशन करिएगा दूसरा क्या होता है। ठीक है, जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत बार मैं बता चुका हूँ कि एक कंपनसेटर होता है और एक सेम वैसे ही डिवाइस। कंपनसेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ये डिवाइस तब यूज होती है जब आपकी इनपुट साइनोसोडल होती है, तो जब इनपुट आपकी यूटी आरटी और ये सब होती है तो फिर उस डिवाइस का नाम क्या, सब कुछ प्रिंसिपल सेम होता है, नाम बदल जाता है, काम यही रहता है, तो उसको आप कमेंट में मेंशन करिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लैग कंपनसेटर की बात करते हैं। तो कंपनसेटर बात करें तो एक क्या होता है, लैग कंपनसेटर होता है और दूसरा क्या होता है, लीड कंपनसेटर होता है। ठीक है, तो लैग कंपनसेटर यूज क्यों करते हैं, देखिए लीड कंपनसेटर यूज किया जाता है कि इंप्रूव, ये क्या करता है बेटा, इंप्रूव ट्रांजिएंट स्टेट ओनली। ये क्या है लीड, देखिए बहुत अच्छा है कि ये ट्रांजिएंट है स्टेट। ट्रांजिएंट स्टेट का मतलब जब भी कोई सिग्नल आगे बढ़ती है तो उसमें क्या आता है, एक पार्ट ट्रांजिएंट होता है और दूसरा स्टेडी स्टेट होता है। तो ट्रांजिएंट पैरामीटर जैसे कोई अगर बात करो आप सेकंड ऑर्डर सिस्टम की, तो क्या होता है उसमें राइज टाइम होते हैं, पीक टाइम होते हैं, ओवरशूट होता है, तो ये सारे के सारे कब होते हैं, स्टेडी स्टेट से पहले ही होते हैं ना। तो इन सबको इंप्रूवमेंट या डिक्रीमेंट या कुछ भी करना हो तो वहां पे आप लीड कंपनसेशन ही यूज करेंगे। तो लीड कंपनसेटर क्या क्या करता है, इसकी एक टेबल आपको मैं मेंशन करा दूंगा। ठीक है, आपको जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं उनको आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा इसकी शॉर्ट नोट्स। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक साथ क्वेश्चन कवर करूंगा अगर मैं, तो इसी वीडियो में ही हाफ एन आवर से अधिक लग जाएंगे। तो अभी इसे बस इतना ही समझिए आप यहाँ पे कि लीड कंपनसेटर क्या करता है, कब यूज किया जाता है लीड कंपनसेटर, जब आपको ट्रांजिएंट कोई पैरामीटर्स, ट्रांजिएंट पैरामीटर्स का मतलब राइज टाइम हो गया, पीक टाइम हो गया, सेटलिंग टाइम हो गया, इसमें कोई वेरिएशन आपको करना है, अब कब बढ़ाएगा कब घटाएगा वो चीज देख लीजिए। अब लीड की बात करें तो लीड में मैक्सिमम चीजें क्या होती जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है कि जीटा क्या हो जाता है बेटा, बढ़ जाता है। अब जीटा के बढ़ने से आपका क्या हो जाता है, राइज टाइम क्या हो जाता है, राइज टाइम क्या हो जाएगा, राइज टाइम घट जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये सारे पैरामीटर्स को समझना है तो अब ये सारी चीजें समझनी पड़ेंगी। अगर जो लोग पढ़ चुके हैं वो लोग तो इजीली समझ जाएंगे, लेकिन जो लोग नहीं पढ़े उनके लिए प्रॉब्लम होगी, इसलिए इन सब चीजों को थोड़ा सा अभी स्किप करता हूं। जब ये क्वेश्चंस आ जाएगा कोई कंट्रोल का उसके बाद आपको बताऊंगा। तो अभी आप यहां पे बस इतना रिमेंबर करिए कि लीड कंपनसेटर हमेशा कब यूज किया जाता है, इंप्रूव ट्रांजिएंट पैरामीटर्स ओनली, यानी ट्रांजिएंट स्टेट को इंप्रूव करता है किसी भी सिस्टम के, और ऊपर से स्टेडी स्टेट को इफेक्टेड नहीं करता है, नॉट इफेक्टेड स्टेडी स्टेट। ठीक है, नॉट इफेक्ट
ESS स्टेडी स्टेट एरर होती है, ठीक है, इसको कोई इफेक्ट नहीं करता है, बट ये क्या है, ये जो है इंप्रूव किसको करता है, ESS को इंप्रूव तो करता है, लेकिन अगर इसकी ट्यूनिंग अगर सही से नहीं करोगे तो ये स्टेडी स्टेट सॉरी ट्रांजिएंट स्टेट को बैडली क्या करता है, इफेक्टेड करता है, यानी उसको रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो यानी ESS को तो इंप्रूव कर रहा है, देख रहे हैं, बट उसके साथ साथ ट्रांजिएंट वाले पैरामीटर्स को क्या कर देता है, रिड्यूस भी कर देता है। तो अगर आप चाहते हो कि अगर वो रिड्यूस ना हो तो इसकी जो ट्यूनिंग होती है, ठीक है, PI कंपनसेटर सॉरी वो तो कंट्रोलर हो गया ना, सॉरी चलिए अभी कंट्रोलर के बारे में आपको कमेंट करना था, चलिए ठीक है कोई नहीं, इंप्रूव ESS बट क्या करता है, बट बैडली इफेक्टेड किसको, ट्रांजिएंट पार्ट, समझ में आया, कब नहीं करेगा, ये नहीं भी कर सकता है, लेकिन जब आप इसकी ट्यूनिंग इसकी जो सिलेक्शन है ना, जो सिलेक्शन करोगे डिवाइस का वो बहुत अच्छे से करना चाहिए, नहीं तो फिर तो आप नहीं कर सकते कोई भी। तो ये लीड कंपनसेटर होता क्या, लैग कंपनसेटर बनते कैसे हैं, ठीक है, ये किसी अगले क्वेश्चन में देख लेंगे। तो अभी ये दोनों करते क्या है वो आप समझ लीजिए, कि लैग क्या करता है, लीड क्या करता है, और कंपनसेटर है तो क्या करेगा, कंपनसेटर करने का मतलब आप अपने अकॉर्डिंग किसी को काम को कराना चाहते हो और उस कंट्रोल सिस्टम में इनपुट क्या हो, साइनोसोडल इनपुट हो तो कंपनसेटर लगता है, और अगर साइनोसोडल नहीं है तो क्या लगता है, कंट्रोलर लगता है, PI कंट्रोलर, PID और PD नाम सुना है आपने। तो जो ये काम करता है, मैं यहाँ पे बता दूं कि जो ये काम करेगा, इसकी टेबल मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, कोई कोई क्वेश्चन आ जाएगा ऐसा, PD और ये इसके एनालॉगस होता है PI, जो काम लैग कंपनसेटर करता है वही काम PI कंट्रोलर करता है, और जो काम लीड कंपनसेटर करता है वो काम PD कंट्रोलर करता है, ठीक है। तो कंट्रोलर कब लगेगा और कंपनसेटर कब लगेगा, ये आप याद रखिएगा कि कोई भी कंट्रोल सिस्टम है तो अगर यहाँ पे इनपुट अगर ये UT, ठीक है, रैंप, UT मतलब स्टेप रैंप पैराबोलिक और ये सब देख रहे हो और आउटपुट आपका कुछ मिल रहा है और इस आउटपुट को आप अपने डिजायर्ड वैल्यू के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हो तो इसके पहले क्या लगा देना, एक क्या लगेगा, हमेशा क्या लगेगा, कंट्रोलर लगेगा, डोंट फॉरगेट। अगर यहाँ पे इनपुट क्या हो गया, साइनोसोडल हो गया, तो यहाँ पे कंपनसेटर क्या लगाएंगे, आप कंपनसेटर लगाएंगे अपनी डिजायर्ड आउटपुट को फाइंड करने के लिए, ठीक है, ठीक है गाइस। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, इंप्रूव ESS एंड रिड्यूस स्पीड ऑफ ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, देखो गाइस अगला क्वेश्चन लैग वाला हो गया, ठीक है चलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, इन अ मेजरमेंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड इंडिकेटिंग वैल्यू, देखिए जो ट्रू वैल्यू होती है, अभी मैंने डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट की बात किया तो उसका पॉइंटर एक पॉइंट पे सेट होगा, तो जो सेट होगा उसी को बोलोगे इंडिकेट वैल्यू, यानी जो आप मेजर्ड वैल्यू है, मतलब ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, मतलब यही है कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू क्या होगा, हमेशा वही एरर होता है, लेकिन वो कौन सा एरर होता है, यहाँ पे एक चीज आपको बहुत अच्छे से वेरीफाई कराना है इसको, क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट एरर, ग्रॉस एरर, रिलेटिव एरर और डायनामिक एरर, तीन चारों नाम दिए हुए हैं। तो बेटा देखिए ट्रू वैल्यू माइनस इंडिकेटिंग वैल्यू का मतलब क्या होता है भाई, इंडिकेटिंग वैल्यू का मतलब होता है, या इसी का दूसरा नाम क्या दे सकता है, वो मेजर्ड वैल्यू, यही क्या होता है एरर। अब कौन सा एरर होता है भाई, याद रखिएगा एब्सोल्यूट, ये क्या होता है एब्सोल्यूट एरर होता है, क्योंकि ये किसी के रिस्पेक्ट में नहीं निकलता है, ठीक है। अब अगर एब्सोल्यूट एरर निकल गया तो ये होता है, मतलब सॉरी इनका जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है एब्सोल्यूट एरर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही जाएगा, पहले ऑप्शन बात करें एब्सोल्यूट एरर। अभी ग्रॉस एरर क्या होता है, ग्रॉस एरर एरर के टाइप्स होते हैं, एरर तीन टाइप्स के होते हैं, ग्रॉस एरर, सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर्स, ठीक है। अब अगर एरर की बात करें तो एरर यहाँ पे तो ये चीज आ गया, अगर यही एब्सोल्यूट एरर परसेंटेज में चाहिए तो वो क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर हो जाएगी, ठीक है। रिलेटिव एरर का मतलब क्या हो जाएगा, रिलेटिव एरर की अगर बात करो तो इसी को परसेंटेज में चेंज कर लो, ठीक है। अब यहाँ से परसेंटेज एरर, अगर परसेंटेज एरर की बात करो तो अगर हम परसेंटेज एरर बात करेंगे तो मैं इसको TV कर देता हूँ, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड होता है बताइए जल्दी, कौन सी वैल्यू होती है जो नीचे जाती है, मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। मेजर्ड वैल्यू के रिस्पेक्ट में क्या कर देते हैं, ठीक है, मेजर्ड वैल्यू से आप करिए या मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 100, ठीक है, ओके गाइस। तो ये ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू बाई मेजर्ड वैल्यू, ठीक है।
तो अगर इस तरह से आप निकालते हैं तो आपका क्या मिल जाएगा, रिलेटिव एरर मिल जाएगी विद रिस्पेक्ट टू किसके, मेजर्ड वैल्यू के। ठीक है, कभी कभी कुछ केसेस ऐसे भी आते हैं कि ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में भी निकालना पड़ता है। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू तो आपकी जो आ गई एरर, सॉरी यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ पे ट्रू वैल्यू आती है, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा आपका ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में, यानी ट्रू वैल्यू कितनी है, ट्रू वैल्यू के रिस्पेक्ट में कितना एरर आ रहा है वो आपका निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू ट्रू वैल्यू करना पड़ता है, ट्रू वैल्यू। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ये डायनेमिक एरर क्या होता है, डायनेमिक और ये स्टैटिक एरर्स। स्टैटिक एरर का मतलब, डायनेमिक का मतलब आप जब देखिए कंट्रोल सिस्टम पढ़ेंगे तो हमें दो एरर आएंगे, एक तो स्टेडी स्टेट एरर और एक डायनेमिक एरर। डायनेमिक एरर निकालने का मतलब पर डे पर मोमेंट पे एरर जो बदलता रहेगा, एक मूवमेंट जब चल रहा है, जब एक सिग्नल स्टेडी स्टेट पे पहुंच चुकी है तो एरर कितना हो गया। और डायनेमिक एरर का मतलब जब कोई सिग्नल अपने आउटगोइंग या इनकमिंग पे आ रही हो तो उस समय वो कितना एरर रिप्रेजेंट करती है। डायनेमिक का मतलब आप समझना कोई मोशन में हो तो उस समय, और कोई चीज स्टडी हो चुकी है तो फिर वो एक वैल्यू से कितना डिफरेंस कर रही है, ये स्टेडी स्टेट आ गया। तो अगर नॉर्मली एरर की बात करते हैं हम, तो एरर कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है बेटा, सबसे पहले आता है ग्रॉस एरर। ठीक है, ये तो आपका एब्सोल्यूट एरर को समझ गए कि आप ट्रू वैल्यू माइनस इंडिकेटिंग वैल्यू आपका एब्सोल्यूट एरर हो गया। अब हम बात करते हैं एरर को फिर क्या होता है, सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, सिस्टमैटिक एरर। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है आपका, रैंडम एरर। देखो इसका सोर्स कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब ये तीन एरर होते हैं, फिर ये तीन तरह में डिवाइड हो जाते हैं बेटा, इंस्ट्रूमेंटल, इन्वायरमेंटल और एक क्या होता है। ठीक है, चलिए एक होता है आपका इंस्ट्रूमेंट और इन्वायरमेंटल हो गया सिस्टमैटिक एरर, और एक होता है आपका ग्रॉस हो गया, रैंडम हो गया आपका एक एरर क्या होता है भाई। ठीक है, चलिए इसे आप देख लेना, एक और एरर याद नहीं आ रहा अभी। ठीक है, तो ये तीन तरह से एरर होते हैं। ग्रॉस एरर का मतलब क्या होता है, ग्रॉस एरर का मतलब ड्यू टू ह्यूमन, आपको देखने में कोई चीज ये ऑब्जर्वेशनल होता है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल हो गया ऑब्जर्वेशनल। ठीक है, यहां पे ड्यू टू ह्यूमन ये किसके वजह से होता है भैया, ड्यू टू ह्यूमन, आप रीडिंग ले रहे हो जैसे इंस्ट्रूमेंट में आप अच्छे से देख नहीं पाए, जैसे पैरेलेक्स जो पॉइंटर कहां पे है, कैलिब्रेशन, जैसे आपने कैलिब्रेशन किया, आप कैलिब्रेशन पे क्या कर रहे हो, देख ही नहीं पा रहे हो सही से। आपने देखा वो कुछ एग्जैक्ट में 4.45 के बीच में था, आपने 4.3 ले लिया, तो अब इसकी वजह से एरर आएगा कि नहीं भैया रीडिंग में आएगी, तो वो उस तरह का एरर होता है आपका ग्रॉस एरर। वो क्या होता है, ग्रॉस एरर। सिस्टमैटिक एरर का मतलब, सिस्टमैटिक एरर तीन तरह का हो सकता है, इंस्ट्रूमेंटल, या इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम हो उसकी वजह से कोई एरर आ रहा है उसको सेट करने में। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट को सेट करने में कोई दिक्कत। अब इन्वायरमेंटल का मतलब, इन्वायरमेंट क्या हो गया, कुछ बहुत ठंडा है, इन्वायरमेंट की वजह से कुछ एरर आ जाएगा मेजर करते समय, तो वो होता है इन्वायरमेंटल एरर। ऑब्जर्वेशनल का मतलब आपको ऑब्जर्वेशन, रीडिंग करते समय, ऑब्जर्वेशन करते समय। ठीक है, देखो इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना, ग्रॉस एरर का मतलब ड्यू टू ह्यूमन, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन करते समय अगर कोई प्रॉब्लम आ जा रही है तो ऑब्जर्व करने में, ये दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है, इसको आप एक बार अच्छे से रीड करके समझ जाना। ठीक है, अब रैंडम एरर की बात करें तो इसका सोर्स कोई भी डिफाइन नहीं होता है, ये कहीं से भी आ सकता है। ठीक है, और चलिए अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये एरर की बात हो गई, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इन द कंट्रोल सिस्टम बैंडविड्थ ऑफ द स्टेबिलिटी रफली। देखिए इस क्वेश्चन में ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, इस क्वेश्चन को मैं आपको कहना चाहूंगा कि देखो ये क्वेश्चन में क्या है कि पहला ऑप्शन क्या था आपका, रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी कब आती भाई, जब सिस्टम रिजोनेंस पे होगा। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन क्या था, अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, जब देखिए सेकंड ऑर्डर सिस्टम की बात करें तो एक क्या आता है, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी आती है। अगर आप बैंडविड्थ देखो, बैंडविड्थ सबसे पहले कौन से कंट्रोल सिस्टम में आता था, जब इनपुट कोई कंट्रोल सिस्टम, अगर कंट्रोल सिस्टम है यहाँ पे इनपुट क्या होगा, साइन ओमेगा टी, और समथिंग जो भी आउटपुट आएगा उसी समय हम बैंडविड्थ की बात करेंगे, जब हमारा इनपुट क्या होगा, कोई साइनसोइडल होगा। ठीक है, तो मान लीजिए अगर इस केस में सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है तो यहाँ पे आपने पढ़ा था कि एक ओमेगा आर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आया था यहाँ पे पैरामीटर्स, और एक क्या आता है ओमेगा आर आता है और एक ओमेगा एन होता है, और फिर क्या आता है जीटा आता है, और इस केस में जीटा की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 0.2 कितना आता है 0.707, इसी के बीच में अंडरडैम्प्ड होता है। अगर 0.707 का मतलब 1/√2, अगर इससे अधिक हो गया तो ओवरडैम्प सिस्टम हो जाता है, इसकी कंडीशन में बात कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस कर रहा हूं मैं, ये याद रखिएगा।
और जीरो से अगर कम हो गया तो अंडरडैम्प्ड हो गया, और जीरो से इतने के बीच में हो गया तो अंडरडैम्प्ड सिस्टम कहा जाता है। ओमेगा क्या होता है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, जो कि यहाँ अंडरडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी दिया होगा ओमेगा, और इसी को बोल रहे हैं आप रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। यही क्या है आपका? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। तो अब जो बैंडविड्थ की बात करते हैं यहाँ पे, तो बैंडविड्थ हमेशा देखिए बैंडविड्थ को एक फार्मूला के थ्रू भी लिखा जा सकता है, ठीक है। तो बैंडविड्थ सबसे पहले प्रोपोर्शनल होता है 1/गेन के, ठीक है, 1/गेन क्रॉसओवर। यहाँ फ्रीक्वेंसी की बात हो तो ये रिलेशन ये होता है कि बैंडविड्थ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है गेन के। ये लो पास फिल्टर के लिए ही अप्लाई होता है, इस पर्सन पे भी वो बहुत ट्राई पास कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, यानी ओमेगा जीसी एक टर्म होता है और एक टर्म होता है फ्रेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, जहां पे फेज को क्रॉसओवर करता है, ठीक है। इसे समझने के लिए डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसलिए यहाँ पे बताऊंगा कि यहाँ पे थोड़ा सा रिमेम्बर करिएगा, ओमेगा जीसी एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जहां पे कोई सिस्टम गेन को क्या करता है, क्रॉस ओवर करता है। ये सिस्टम होती है जैसे ये आपका -10 पॉइंट हो गया, समझ लीजिए 10। तो अब जैसे ही कोई मान लीजिए पोलर प्लॉट ड्रा किया जाता है, तो गेन को जहां पे, इसलिए कहता हूं पोलर प्लॉट सब कुछ समझना पड़ेगा। तो अभी आप इतना याद रखिए, यहाँ पे डिप्लोमा वाले तो याद ही रख लेना आप, अगर क्वेश्चन कहीं आता है तो गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी ही इसका आंसर होगा, क्योंकि गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी ही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, बैंडविड्थ के लिए। बैंडविड्थ अगर निकालना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी अगर आपने निकाल लिया तो आप बैंडविड्थ को आसानी से निकाल सकते हो, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, गेन क्रॉस ओवर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। चलिए गाइस, इसे एक्सप्लेन करने के लिए पूरा पोलर प्लॉट और वो देखना पड़ेगा, तो इसलिए अभी थोड़ा सा इसे स्किप करिए, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिएगा, कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन जब मैं 500 तक बढ़ूंगा ना, तो कहीं ना कहीं मैं पूरा जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। जैसे कोई क्वेश्चन 5 उठाऊंगा मैं, देखूंगा अगर पिछले में मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है, तो अब 5 क्वेश्चन ऐसे उठाऊंगा जिसमें 4 को ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े और एक को ही करना पड़े, तो इस तरह से मैं क्वेश्चन को सेट करता रहूंगा, ठीक है। तो अभी आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। लेकिन जो भी क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट ही है, इन सबके आने के पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस के कहीं कहीं एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे भाई, अगर 500 क्वेश्चंस आप कर ले रहे हो भी इम्पोर्टेंट में, तो लगभग 75% तो क्वेश्चन कर लोगे ना, 10% तो सारे छोड़ते हैं यार। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, लास्ट क्वेश्चन होगा शायद इसका, लास्ट क्वेश्चन कौन सा था बता सकते हैं? नहीं या फिर ये क्वेश्चन नंबर कितना है? अच्छा चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि ना डीसी शंट मोटर, डीसी शंट मोटर का क्वेश्चन है, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, ये 24 है। चलिए, इन डीसी शंट मोटर, डीसी शंट मोटर की बात हो रही है, डीसी शंट मोटर क्या होता है भाई, डीसी शंट मोटर की बात करिए। चलिए देखिए, यहाँ पे आपका शंट कॉइल होती है, ये क्या होती है, शंट कॉइल, और यहाँ आपका क्या दिया जाता है, सप्लाई वोल्टेज होती है, ये क्या होता है आपका, सप्लाई वोल्टेज। जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहा है कि इफ द टर्मिनल वोल्टेज इज रिड्यूस्ड, यही है ना सप्लाई वोल्टेज का मतलब, यही टर्मिनल वोल्टेज है आपका। अब इसको रिड्यूस किया जा रहा है, इसको अब क्या कर रहे हैं, रिड्यूस हाफ। अगर इसको हाफ करोगे बेटा तो इसके अकॉर्डिंग भी वोल्टेज कुछ है, यही वोल्टेज इस संट कॉइल के, इसमें कुछ करंट जा रही है आई एस एच, ठीक है। तो जो फाई एस एच है वो प्रोपोर्शनल टू है आई एस एच के, कोई डाउट हो तो बता दीजिए। यहाँ पे जो वोल्टेज है वही अक्रॉस इसके भी है, यानी जो वोल्टेज यहाँ पे वही इसके अक्रॉस भी है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे ई जनरेट होगा, ई, ठीक है। ये मोटर है आपका, ये बस इस तरह से लगा दीजिए, आर्मेचर है ये, ठीक है। तो अगर सप्लाई वोल्टेज को, अब करंट अगर हाफ कर रहे हो, वोल्टेज को हाफ करोगे तो करंट भी हाफ हो जाएगा, तो फाई एस एच अगर घटेगा बेटा, तो अगर वोल्टेज को हाफ करोगे तो यहां जो फ्लक्स था वो भी हाफ हो जाएगा। संट मोटर है ये जरूर याद रखिए, जैसे ये हाफ होगा तो ये भी हाफ हो जाएगा। अब पूछ रहा है टॉर्क रिमेनिंग सेम, टॉर्क को सेम रखना है बेटा, टॉर्क प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, फाई इंटू आई ए। अब इसको कांस्टेंट रखना है, मतलब फाई वन और आई वन इक्वल टू किसके रखना है, फाई टू आई टू के, ये कांस्टेंट रखना है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो अगर इसको कांस्टेंट रखना चाहते हैं तो यहां से क्या आ जाएगा, फाई टू बाई फाई वन कर दीजिए, तो फाई टू बाई फाई वन इसको इधर कर दिया मैंने और ये इधर कर दीजिए, तो आई वन बाई किसके हो जाएगा, आई टू के। ये हो गया इक्वेशन नंबर वन, समझने की कोशिश करिएगा। यहां तक किसी को डाउट, ये क्वेश्चन में मेंशन था कि टॉर्क दोनों कंडीशन में सेम रखना है, तो अगर दोनों कंडीशन में टॉर्क को सेम रखना है तो फाइव वन आई वन इक्वल टू फाइव टू आई टू आपको रखना ही पड़ेगा। अब दूसरी बात करते हैं कि अब क्या कहा है कि स्पीड की बात करते हैं, तो स्पीड बेटा प्रोपोर्शनल टू किसके होती है, अगर स्पीड की बात करो तो ईबी, ई की बात करते हैं, अगर नो लोड की बात करो तो ई, E और V एक ही ले सकते हो। E प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, phi omega, या omega ना करके इसी को स्पीड बोल सकते हो। तो मतलब E2 by E1,
ई टू बाई ई वन, यहां से क्या हो जाएगा फाई टू बाई फाई वन और मल्टीप्लाई एन टू बाई एन वन। अब ई टू की जगह वी टू भी कर सकते हो, यहां पे अप्रोक्सिमेशंस क्योंकि लॉसेस के बारे में इसने मेंशन नहीं किया है इन दिस क्वेश्चन, दे आर नॉट मेंशनड एंड द लॉसेस, सो यू कैन अज्यूम ई टू एज वेल एज वी टू। तो यहां पे वी टू बाई वी वन भी कर सकते हो, और वो बोल रहे हैं कि जो वी टू है बेटा वो वी टू इज इक्वल टू क्या है, वी टू इज इक्वल टू वन बाई टू वी वन। ठीक है, v1 अगर पहले केस में v1 था तो v2 उसका हाफ कर दिया गया है ना, तो अब यहाँ पे v2 जब करोगे तो v2 की जगह क्या कर दोगे हाफ, यानी कुल मिला के v2 by v1 अगर यहाँ से लिखना चाहो तो v2 by v1 का मतलब क्या हो गया हाफ, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा एक बटा दो v2 by v1 इसे समझ लीजिए। ठीक है, तो अब इक्वल टू phi 2 by phi 1, तो मैंने आपसे क्या बताया था कि अगर e2 by e1 हाफ हो रहा है तो phi 2 by phi 1 भी हाफ हो जाएगा। पहले केस में फाइव टू जितना भी था पहले केस का और दूसरे का जब रेशियो निकालोगे तो वन बाई हाफ वो भी घट जाएगा ना हाफ, तो ये हाफ और मल्टीप्लाई एन टू बाई एन वन। अब ये देखो ये इससे खत्म, तो एन टू इज इक्वल टू किसके आ गया बेटा एन वन, यानी स्पीड नहीं बदलेगी। ठीक है, स्पीड अगर नहीं बदल रही है तो अब यहाँ पे देखिए फाइव टू बाई फाइव वन, अब यहाँ पे फाइव टू बाई फाइव वन को क्या करना पड़ेगा वन बाई टू और इज इक्वल टू आई वन बाई आई टू, तो अब देखिए आई टू को इधर कर दीजिए तो आई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टू आई वन। बस देखिए यही दो चीजें था जो मुझे आपको बताना था किस तरह से वैल्यू निकल रही है। अब इन्हीं दोनों को याद रखिए, स्पीड नहीं बदल रही है, अब I2 करंट जो है वो 2 I1 के इक्वल टू हो रहा है, तो अब ऑप्शन चेक कर लीजिए, पहला ऑप्शन क्या है स्पीड विल बिकम हाफ, नहीं भाई हो ही नहीं सकता ऐसा ऑप्शन ढूंढिए इसमें स्पीड हाफ हाफ नहीं। देखिए लास्ट ऑप्शन है स्पीड रिमेन सेम एंड आर्मेचर करंट विल डबल, आर्मेचर करंट विल डबल, यही आपका आंसर सही होगा। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जो भी करना है जल्दी से नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट क्वेश्चन आपका क्या था, लास्ट क्वेश्चन ये है भैया कि द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन टू द रेटेड कैपेसिटी ऑफ द पावर स्टेशन इज कॉल्ड। चलिए ये हो गया क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन हो गया है तो क्या मैक्सिमम डिमांड, एक क्वेश्चन दिया हुआ है 24-25 क्वेश्चन नंबर 25, तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है वो देख लेते हैं जरा, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या है, क्या क्या रेशियो दिया, किसका किसका रेशियो दिया, मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड डिवाइडेड बाय किसका रेशियो स्टेशन टू द रेटेड कैपेसिटी, रेटेड कैपेसिटी। ठीक है, ये किसके इक्वल टू होता है यही पूछा हुआ है, उसमें चारों ऑप्शंस दिया रखा है, पहला क्या है डिमांड फैक्टर। ठीक है, चलिए पहले तो मैं इसको बता दूं आपका, ये डिमांड फैक्टर नहीं है, क्या होता है यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए ये क्या होता है, देखो भाई इस पे बहुत क्वेश्चन आता है, यूटिलाइजेशन फैक्टर का ये फार्मूला, यानी ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही है यूटिलाइजेशन फैक्टर, देखो इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये फार्मूला तो आपको याद ही करना है, इसमें कोई ट्रिक और कॉन्सेप्ट नहीं है, ये याद है तो याद है, नहीं है तो फिर आगे बढ़िए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं वो जरा आप मेंशन कर लीजिए। ठीक है, देखिए सबसे ज्यादा जो पूछता है वो लोड फैक्टर पूछता है, अब देखिए इसमें डिमांड फैक्टर पूछा है, अब डिमांड फैक्टर क्या होता है उसको भी जरा सब देखने की कोशिश करिएगा। ठीक है, डिमांड फैक्टर, ठीक है क्या आपने लोड फैक्टर, अगर डिमांड फैक्टर की बात करते हैं तो वो क्या होता है मैक्सिमम डिमांड, मैक्सिमम डिमांड बाई कनेक्टेड लोड, क्या होता है उसके बाद कनेक्टेड लोड। ठीक है, ये इक्वल टू किसका होता है, अभी जो दूसरा आपका पहला मतलब दिया था ये होता है डिमांड फैक्टर। ठीक है, डिमांड फैक्टर होता है मैक्सिमम डिमांड बटे कनेक्टेड लोड। अब क्या भाई यूटिलाइजेशन आपका हो ही गया, अब है डाइवर्सिटी फैक्टर, ये क्या होता है। ठीक है, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम, ठीक है डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है कि सम ऑफ इंडिविजुअल, सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्स डिमांड बटे मैक्सिमम लोड। ठीक है, बटे क्या होता है मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन, मैक्सिमम डिमांड ऑन द पावर स्टेशन। अब एक और इसमें दिया हुआ है कि प्लांट यूज फैक्टर, प्लांट यूज फैक्टर, ये क्या होता है भाई, देखिए अगर प्लांट यूज फैक्टर की बात करें तो प्लांट यूज फैक्टर की बात होती है कि स्टेशन आउटपुट किलो वाट आवर, प्लांट आउटपुट किलो वाट आवर मतलब इनर्जी की बात हो रही है,
कि टोटल आउटपुट एनर्जी कितना प्लांट दे रहा है वो, और डिवाइडेड बाय क्या होगी प्लांट की कैपेसिटी, प्लांट कैपेसिटी मल्टीप्लाई आवर ऑफ यूज, आवर ऑफ यूज कितने टाइम तक वो यूज हो रहा है, इतना करना पड़ेगा आपको। तो आप प्लांट यूज फैक्टर, ठीक है। अब एक ज्यादा जो मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाता है बेटा, लोड फैक्टर, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है, मैं उसको भी जिक्र कर दे रहा हूं। लोड फैक्टर, ये सारे के सारे आप नोट कर लीजिएगा। लोड फैक्टर क्या होता है सबको पता होगा, एवरेज लोड, एवरेज लोड डिवाइडेड बाई मैक्सिमम लोड, एवरेज लोड डिवाइडेड बाई मैक्सिमम लोड, ये आपका क्या होता है। अब एवरेज लोड कैसे निकालोगे, यूनिट्स जनरेटेड पर एनम,